पाकिस्तान में राष्ट्रपति के बाद नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चेतावनी दे दी। इमरान खान पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की सेना और पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर हमलावर हैं, जिस पर नाराजगी जताते हुए पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को धमकी तक दे दी। आसिम मुनीर ने साफ किया कि वो सेना के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इमरान खान की पार्टी के नेताओं को भी सेना के खिलाफ बयान न देने की चेतावनी दी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दो टूक कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान को यही चेतावनी वहां के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी दी। उन्होंने इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ लक्ष्मण रेखा पार न करने की हिदायत दी, क्योंकि इमरान खान हाल ही में कई बार वहां की सेना पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि उन्हें सत्ता से हटाने में सेना का बहुत बड़ा हाथ था। यही नहीं, उन्होंने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले का आरोप जिन तीन लोगों पर लगाया था उनमें एक सेना का बड़ा अधिकारी भी शामिल था। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन को सत्ता से हटाने के लिए रूस में खून खराबा हो सकता है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन से जारी जंग में पुतिन के लिए गए कई फैसलों से वहां के लोग नाराज हैं। और खबर है कि पुतिन के विरोधी इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में कभी भी खून खराबा शुरू हो सकता है। बताया जा रहा है कि पुतिन के विरोधियों ने उन्हें सत्ता से हटाने के लिए तैयारी तेज कर दी है। दावा है कि कई बड़े सैन्य अधिकारी भी जंग में पुतिन के लिए गए फैसलों से नाराज हैं। खबर है कि सेना के नाराज अधिकारियों के साथ मिलकर पुतिन के विरोधी खेल करने की तैयारी में है। हालांकि बताया जा रहा है जो सैनिक विद्रोह कर रहे हैं पुतिन के आदेश पर उन्हें कैद कर टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन दावा है कि इसके बावजूद सेना में विद्रोह कम नहीं हो रहा। असल में रूस में तख्ता पलट करने की कोशिश पहले भी हुई है। 90 के दशक में वहां तख्ता पलट के लिए हिंसक प्रदर्शन हुए थे। उधर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच के लिए पाकिस्तान सरकार ने मुल्तान के स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच 9 दिसंबर से खेला जाएगा और इसीलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुल्तान की कई सड़कों को 5 दिनों तक बंद कर दिया गया, जिसका असर वहां के 123 स्कूल, 16 कॉलेज और 4 यूनिवर्सिटियों पर भी पड़ेगा। इधर IIT मद्रास में रिसर्च करने वालों ने समुद्री तरंगों से बिजली बनाने वाला उपकरण तैयार किया। दावा है कि इस उपकरण की मदद से बिजली की समस्या दूर की जा सकती है। जिसे IIT मद्रास में रिसर्च करने वाली टीम ने ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर नाम दिया है। दावा है कि इस डिवाइस को तमिलनाडु में समंदर के तट से 6 किलोमीटर दूर 20 मीटर गहरे पानी में लगाया गया है और इसके जरिए समुद्री लहरों से 1 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक पहली बार चीन की फौज में कोरोना विस्फोट होने की खबर आई। पता चला कि चीन की फौज पर कोरोना एक नई आफत बनकर टूटा। चीन की फौज अब बंकर बनाने से ज्यादा क्वारंटीन टेंट बनाने में लगी है, जिसकी जानकारी भारतीय फौज की एक खुफिया रिपोर्ट के जरिए सामने आई। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में LAC के पास बड़ी संख्या में चीन की फौज के क्वारंटीन टेंट बनाए जाने का जिक्र किया गया। दावा तो यहाँ तक है कि कोरोना पॉजिटिव हो चुके फौजियों के लिए क्वारंटीन कंटेनर भी बुलाए गए। सबसे अहम बात यह कि इस तरह के इंतजाम पूरी LAC के पास देखे गए, यानी लद्दाख के पास भी, उत्तराखंड के पास भी और यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा के पास भी ऐसे टेंट बनाए जाने की खबरें हैं। सीधा मतलब ये कि चीन की फौज बहुत बड़े कोरोना विस्फोट का सामना कर रही है। अब तक चीन ने अपनी फौज से जुड़े कोरोना के आंकड़े पूरी दुनिया से छुपाए, इसीलिए दुनिया भी ये देखकर हैरान हुई कि 20 लाख की एक्टिव फोर्स और 8 लाख से ज्यादा पुलिस वालों में किसी को कोरोना ना हुआ हो, ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन भारतीय फौज की इस खुफिया रिपोर्ट ने चीन के झूठ की पोल खोल दी।